वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और जी थैंक्स फॉर ग्लैम गैस स्पेशली, क्योंकि ये किचन स्पॉन्सर किया है ग्लैम गैस ने और उनके होम अप्लायंसेस दी बेस्ट हैं। लेट्स सी हम लोग चलते हैं अपने किचन सेगमेंट की जानिब। और डिश है आज कौन सी, पेशावरी कढ़ाई, और कौन बना रही है, शेफ मायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बॉस, आ गई ना कढ़ाई पे, आ गई हो ना? जी कढ़ाई पे आ गई। क्या बात है। अच्छा ये होता है कि हम लोग डिफरेंट, हम लोगों ने अभी कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे डिफरेंट हमारे जितने प्रोवेंसेस हैं, शहर हैं पाकिस्तान में, उनके डिशेस यहाँ पर लेकर आए। कल हम लोगों ने फिश कौन सी उस दिन परसों बनाई थी, लाहौरी फिश। तो अब हम चलेंगे पेशावर। आ गया जी खान साहब, हम लोग उतर गए पेशावर, जल्दी से स्टार्ट करो। अच्छा पेशावरी कढ़ाई के लिए सबसे पहले आपने 1 kg चिकन लेना था। यस, इसको मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया था ताकि हाफ डन हो जाए। अच्छा जी, बॉईल के तरह हो जाए। सबसे पहले चिकन लिया, उसमें 1 कप पानी डाला, 1/4 कप, 1/4 जो भी थोड़ा सा अंदाजे से कह सकते हैं, अंदाजे से आप पानी डाल के इसको रख देंगे जितनी देर ताकि ये आधी डन हो जाए, क्योंकि शो में टाइम कम होता है तो हमें जल्दी करना होगा। क्विकली, ये टिप है ना बॉस, वरना आप घर में जैसे बनती है वैसे ही बनाएंगे। अब इसके मसाले जो मेन है उसके अंदर रेड चिली पाउडर है, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च जो इसमें बड़ा जबरदस्त कलर देगी, ये हमारे पास मौजूद है 1/2 teaspoon के करीब गरम मसाले का पाउडर, okay. हल्दी भी हमने 1/2 teaspoon लेनी है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 tablespoon लेना है। साथ ही में हम ये गार्निशिंग के लिए अदरक और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, और टमाटरों को इस तरीके से, मतलब एक टमाटर को 4 हिस्सों में कट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम जब इसको कुक कर रहे होंगे तो हम साथ ही साथ इसका छिलका भी, जब सॉफ्ट होता जाएगा तो हम छिलका निकालते रहेंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, मायरा के अपने मसाले हैं जो ये बनाती हैं, तो आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इनका मायरास किचन के नाम से फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे भी पेज है मायरास किचन के नाम से, इंस्टा पे भी सेम है, और आप फोन नंबर पे भी अगर कांटेक्ट करना चाहते तो फेसबुक पेज पे नंबर मेंशन है। और नंबर क्या है तुम्हारा आपका? 03060286554। जबरदस्त हो गया ना, ये हो सके तो इसको मेरे जहन से निकल गया था कि नंबर चला दीजिएगा ताकि आप इनको ऑर्डर्स भी आए, इनको कुछ जाहिर सी बात है इनकी डिशेस से लोग जो है इसकी लज्जत से महसूस हो सके, ठीक है जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब ये जो है हमारी चिकन तो हो चुकी थी, हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का सबसे पहले पेस्ट डालना है। फ्लेम थोड़ा बढ़ा दूं? जी फ्लेम बढ़ाना है। मजे के यकीन करो बहुत इसके, इनके जो मसाले वो भी बड़े डाल के, साथ ही में आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ओके हस्बैंड जाएगा या थोड़ा सा? नहीं, ऑयल आप 1/2 कप तक डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में आप यूजुअली देखते हैं ऑयल ही होता है। ये जो पेशावरी कढ़ाई और जो हम लोग कराची में डिफरेंट हमने कढ़ाई करनी, इसमें कुछ डिफरेंट है, इसकी मेकिंग डिफरेंट है, मेकिंग डिफरेंट है, जबरदस्त। और हमने ये ऑयल पटाखे बजाने शुरू कर दिए बहन, मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि पटाखे बजा। यस ओके, फ्लेम इन्होंने नॉर्मल ही रखी हुई है, ठीक है जी, और ये बनना शुरू हो गया। थोड़ा सा हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनेंगे। हनी एक बात बताओ, ये जो आप ये वाली जो कश्मीरी मिर्चों का क्या फायदा होता है? कश्मीरी मिर्च का फायदा ये है, एक तो स्पाइस नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। चक्के देख लूं? देखो लग गई ना मायरा। नहीं, चक्के देख ले, फंस जाओगी तुम, मैंने कभी भी नहीं, हल्की सी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। असल फसवा दिया, मिर्चें लग रही, अभी मैंने गलत मिर्चों में तो हाथ नहीं डाल दिया, ये वाली थी या वो? दोनों के कलर एक जैसे? नहीं, दोनों का कलर एक जैसा है। बहुत गलत ट्रैक में इस वक्त लाइव शो में कर दिया, बहुत गलत, इस वक्त मैंने बहुत गलती की है, और मुझे लग रहा है मैंने कश्मीरी नहीं पाकिस्तानी मिर्चों में हाथ डाल दी। तो इसका फायदा ये होता है कि आपकी कढ़ाई में आप देखते हैं ना यूजुअली रेडिश सा जो कलर आ रहा होता है। अच्छा, वो इसकी वजह से? इसी की वजह से आएगा। कभी फर्क पड़ता है? टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। या मुझे ना उनके खाने बना के दिखाओ ना कभी। हम फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। यस, मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत हसीन है, तो वहाँ की कुछ मशहूर डिश यहाँ पर होनी चाहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मज़ेदार किस्म की, बहुत अच्छा लगेगा हम हर शहर का। और अगर कोई शहर रह जाए और वहाँ की डिश बहुत इम्पोर्टेंट हो तो देन आप हमें कॉल करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं ऑन कॉल, तो हम इंशाल्लाह आई विल ट्राई। अच्छा, अब आपने ये करना है, टमाटरों को एक साथ एक जगह नहीं डाल देना, इस तरीके से डालना है जगह जगह करके, ठीक, ताकि टमाटर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होकर अपना फ्लेवर जो है हर जगह
पहुंचेगा। अच्छा इसकी फिर हमने स्टीम पर इसकी स्किन स्किन तो उतारनी होगी। जी जी स्किन उतारनी होगी, थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे तो स्किन उतार के हम साइड पे निकाल देंगे। मैक्सिमम कितनी देर? मैक्सिमम 2 मिनट में आराम से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसको ढकेंगे, ढक्कन ढकेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। ठीक है जी, इसको हम जल्दी कवर कर देते हैं। जी जी इसको कवर करना है और ये फौरन ही थोड़ी देर में इसके छिलके, क्योंकि छिलका जो होता है ना बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। ठीक है कढ़ाई के अंदर। अच्छा जी हम लोग साथ साथ फिर हम लोग चलते हैं। ऑफ कोर्स जब इनके मसालों की मैं बात करती हूँ तो यार बताए मसालों में अक्सर जो है आपने देखो नमी आ जाती है, कुछ होम रेमेडीज डिस्कस जब तक 2 मिनट में ये हो जाएगा हम लोग। देखिए तो मसालों में नमी इसलिए आती है, एक तो पहली बात मसालों को प्लास्टिक जार्स में यूजुअली हम रखते हैं, उससे हट के आप कांच के जार्स में आ जाएं क्योंकि उसमें नमी जो है नहीं आएगी। प्लास्टिक में यूजुअली होता है एक चीज पड़े रहती है तो प्लास्टिक के फ्यूम्स निकलते हैं। अच्छा। जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो आप कोशिश ये करें कि उसको कांच की बॉटल्स या कांच के जो जार का सेट होता है वो ले आए, उसमें अपने मसालों को रखें, क्योंकि उस पर हीट अगर लगेगी भी ना तो अंदर मसालों पे नहीं जाएगी। प्लास्टिक पे जब भी हीट लगती है तो प्लास्टिक कंप्रेस होना शुरू होता है। कसम से मैंने आज सारी ये जितनी मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स रखी है ना अपनी आसानी के लिए छोटी छोटी, जिसमें थोड़ी सी हल्दी ऐसे जैसे इस्तेमाल करती हूँ, बाकी मसाले मैं कबर्ड्स में रखती हूँ, अब मैं वो सारी स्किप करूंगी और इस तरह की कांच की बॉटल्स ले लें, या आप ये कर लें कि ऐसे बॉक्स आजकल आ रहे हैं कांच के कंपार्टमेंट वाले वो रख लें। अच्छा तो वो आपको आसानी रहेगी कि एक डिब्बे में सारे मसाले बस उठाएंगे और फौरन से डाल दिए। अच्छा मैं वैसे कम बहुत लाइट यूज करती हूँ ग्रीन मसालों का, जैसे टमाटर हरी मिर्च। और अगर आपके पास ज्यादा मसाले हैं तो आप ये करें कि फ्रिज में उसको स्टोर कर लें। अच्छा। अगर बहुत सारे लोग करते हैं ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्क मसाले खरीद लेते हैं, जैसे आप आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको बॉटल्स में करके आप फ्रिज में रखें। और समटाइम अच्छा दालों में फफूंदी सी लग जाती है, वो भी यही रीजन है कि प्लास्टिक की वजह से? जी जी यही रीजन है कि दाल वगैरह में भी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एटमोसफेयर है ना वो बहुत गर्म है, तो गर्मियों में किचन में बहुत हीट हो जाती है। अब हर किसी के घर में एसी या फैन नहीं चल रहा होता किचन में, ठीक है, तो हमें कांच की बॉटल बहुत कांच की बॉटल जरूरी है कंपार्टमेंट वाली। अच्छा, इसी वजह से अचार जो है काफी टाइम तक वो काफी टाइम तक सेव रहता है, बर्तन होते खास, इसीलिए कहा जाता है कि आप कांच की बॉटल में रखें तो वो ज्यादा प्रिजर्वेटिव रहेंगे और अच्छी रहती है। यस गुड। और इसी तरह जैम या कोई भी मैंने देखा, अब आप चटनी में जैसे आप वो डालते हैं ना इमली का पल्प डालते हैं या सिरका वगैरह डालते हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए, आप प्लास्टिक को उसमें रखेंगे तो प्लास्टिक उसके साथ कंप्रेस होके वो गुलता रहेगा ना, उसके जो फ्यूम्स हैं उसमें शामिल होते रहेंगे। यार ये बहुत अच्छी आज इन्होंने टिप दी है, आप नोट कर लीजिए कि अगर आप अपने घर में जो भी चीज़ें सेफ रखना चाहते हैं मसालों को, अक्सर मैंने देखा है कि पिसे हुए मिर्चें हल्दी उसमें फफूंदी सी आ जाती है, वो इसकी वजह से ये कि वो सीलन सा हो जाता है, तो ज़्यादा बेहतर है आप यूज़ करें कांच की बॉटल्स। हम लोगों के 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो आपको चिमटे की जरूरत है कांटे की जरूरत है किस चीज़ की जरूरत है? कांटे की जरूरत। हाँ तो आपको लेना चाहिए था ना मेरी शहजादी। नहीं नहीं कांटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही निकल जाएगा। ओके डन हो गया, बहुत सॉफ्ट हो के मैं घर में भी ऐसे ही निकालती हूँ स्पून की मदद से। ओके जी काटा नहीं भी हो जरूरत भी नहीं है, नहीं ये ऐसे ही निकल जाएगा, ये जितना पकता जाएगा ना साइड पे खुद ही हो जाएगा और आप जैसे जैसे पकता जाए आप साइड से इसको हटाते जाएं। ओके यानी कि साथ साथ तो, अच्छा ये टाइम भी उसमें इजी हो गया ना कि करके जैसे जैसे सॉफ्ट होगा ये साइड पे आप एक एक टमाटर को लेते जाए और ये छिलका उतारते जाए, वेरी इजी। वो सबसे पहले वो कोने वाले डाले थे ट्राई करो वो निकल गए होंगे, नहीं वो ये भी निकल जाएगा। ओके ये भी निकल। अच्छा ये जरूरी होते हैं कि सारे? जी जी ये निकालना जरूरी है क्योंकि छिलकों से नहीं, ग्रेवी का मसला नहीं है, छिलके ना बहुत वो आपके माउथ में ना बहुत अजीब सा वो करते हैं, कढ़ाई के अंदर एक मजेदार थी आप कढ़ाई इंजॉय कर रहे हो छिलका मुँह में आ रहा है वो ना लोग बहुत इरिटेट करता है। अच्छा कुछ लोग काली मिर्च जैसे मुझे बहुत पसंद है, कुछ लोग साबुत मसालों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई में नहीं जाती, कुछ कढ़ाइयों में नहीं जाती, ठीक है, लेकिन कुछ कढ़ाइयाँ हैं जिसमें आप साबुत मसाले डाल सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप मटन यूज कर रहे हैं तो आप बॉईल करते हुए डाल दें ताकि उसका फ्लेवर उसी वक्त आ जाए, उसको हटा दें आप। ओके कढ़ाई में नजर नहीं आना चाहिए साबुत मसाला ना वो बड़ा। ये इन्होंने ये निकाल दिया, इससे इजीएस्ट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने फिर मसाले डालने हैं, टमाटर का है वो यमी सा इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा कल मैं सोशल मीडिया पे कुछ टिप्स देख रही थी नमक से रिलेवेंट, नमक के बड़े फ़ायदे हैं और मैं देख रही थी कि नमक से आलू के साथ टच जो सब्जियां जो लोग हम लोग रखते हैं, और ये भी प्रैक्टिकल मैंने किया अभी
कि अगर जैसे आपने कैबेज रख दी और अगर आप उसको नमक लगा के रखेंगे तो वो काफ़ी दिनों तक काली नहीं पड़ेगी। बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। हाय हेलो, मैं डर गई। अच्छा जी, तो वो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सब्जियां हैं, जैसे हम उसके ऊपर थोड़ा नमक लगा के आप उसको रख देंगे तो वो सुकड़ेगी भी नहीं, उस पर ब्लैकनेस भी नहीं आएगी। और इस तरह फ्रूट्स के ऊपर भी, इस तरह एप्पल काट के जैसे रख देते हैं, या प्याज आपने रख दिया है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप फ्रिज में रखें, तो आप नमक लगाएंगे तो आपकी जो चीज़ है वो सेव रहेगी। कुछ होम रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो दिल करता है कि आप लोगों को शेयर करूं। तो और बर्तन अगर अल्लाह ना करे आपका जैसे जल जाता है, तो आप आलू को काट के उसके साथ नमक लगा के देन, फॉर एग्जाम्पल आपने काटा उसको रब करें, तो क्या होगा कि वो आपकी जो ये बर्तन पे ब्लैकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। चले जी, ये हो गया है काफ़ी हद तक डन। अब इसको, अब इसके अंदर आप रेड चिली पाउडर जी, ये ऐसे इन्होंने पहले वन एंड हाफ टेबल स्पून है, डन हो गया। टर्मेरिक पाउडर यस हाफ टी स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। ओके, और साथ ही में इसके अंदर हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, यूजुअली जो जी हाथ से ही डालती हूँ। अच्छा, एक और बात भी, अब कुछ लोग ना नमक भी थोड़ा कभी कभी हाथ हो जाते हैं, इसमें दो तीन चावल के दाने या लौंग डाल दें तो भी इसके अंदर नमी नहीं आएगी। चावलों में भी यही करें आप, लौंग डाल के रख दें चावलों को, उसमें ये कि नमी नहीं आती। लौंग भी डाल सकते हैं, और मैं देखो यार कितना जबरदस्त है, मैच स्टिक्स डाल सकते हैं आप। अच्छा, मैं डाल के रखती हूँ ना तो चावलों में कीड़े नहीं पड़ते। अच्छा, बिल्कुल नहीं पड़ते। दालों में और चावलों में हम क्या डाल दें? मैच स्टिक पे डाल देती हूँ ना तो कीड़े नहीं पड़ते, या लौंग डाल दें तो कीड़े नहीं पड़ते। क्या बात है, हो जाते हैं वो चावल के ब्लैक ब्लैक, नहीं अजीब सी वो जुए टाइप की, वो छोटी छोटी होती है लेकिन वो अच्छी नहीं लगती। कभी कभी बारीक कीड़े भी हो जाते हैं जब आप धो रहे होते हैं ना, तो वो ऊपर तैर के आ रहे होते हैं। ये सही कहा आपने, क्योंकि हमारा मौसम ऐसा है ना, बाहर के ममालिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबरदस्त, ओहो, कलर देखो जरा आउटस्टैंडिंग। इसको ये आपने कब डालना? ये एंड में डालेगा जब हम दम देंगे ना। ठीक है, उस पर गर्म मसाला डाल के दम दिया जाता है। ओके जी, ठीक है, ये हमारी हो गई है। अब इसको अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर दी, ठीक है, क्योंकि मसाले डालने के बाद भूनना बहुत जरूरी है। और ये साथ साथ हो भी रही क्योंकि चिकन तो वैसे ही इसी वजह से, और टमाटर जो थे हमने सॉफ्ट कर लिए थे तो ये छिलका उतर गया तो अभी इजीली सॉफ्ट हो गए। टाइम बहुत कम है तो हम जाएंगे इसे क्विक। अब हम जो है इसको दम पे बस लगाएंगे, सिर्फ हरी मिर्चों को डालना है अपने, यस, क्योंकि ये इसकी जान है। और साथ में अदरक को डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचाएंगे फॉर द गार्निशिंग। और ये जो आपका गरम मसाले ऊपर से बस डाल के अपने दम दे देना। ओके, देखें जी, मैं हाफ टी स्पून हमारे पास गरम मसाला था, ये हो गया दम तैयार। और ये दो मिनट में बस दम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हर चीज पकी हुई है तो दम होने में टाइम नहीं लगेगा और स्टीम ऑलरेडी बनी हुई। अच्छा, मैं क्या करते हैं इसको हम थोड़ा सा डिस्प्ले कर देते हैं ताकि हमारा टाइम खत्म हो जाए। आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए इसके अंदर डाल के, और बाकी जो है वो मतलब मजीद क्योंकि हम दिखा दें आपको, हम आपको दिखा देते हैं अभी क्योंकि इसको दम तो देना है लेकिन हम इसको बाद में दम कर देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम चाहते हैं कि आपको क्लियरली पता चल जाए। थोड़ी सी मिर्चें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं कर दीजिएगा क्योंकि एक फ्रेशनेस जो है ना मिर्च की, दो मिनट की बात है ये जी, वैसे ही दो मिनट हमारी गुफ्तगू में ही हो गए थे। यस, ये हो गया डन। बस बस बस, इट्स ओके। थोड़ा सा ग्रेवी डालनी है तो डाल दो, बेहतरीन हो गई। और ये हमने थोड़ी सी गार्निशिंग की भी मेंशन कर दी। लुक एट दिस, ये हो गया हमारी पेशावरी कढ़ाई रेडी। हाय हाय हाय, मेरी प्यारी बहन, ये हो गई पेशावरी कढ़ाई जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, और साथ इसके साथ आप गरम गरम नान, जो भी आपको पसंद है, रोटी चपाती, उसके साथ घर में बनाएं पेशावरी कढ़ाई। थैंक्स मायरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।